गुड मॉर्निंग माई ऑल लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स. हिंदी व्याकरण में हमने अभी तक चैप्टर सेकंड की स्टडी की थी. अब हम उसके अभ्यास कार्य की स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक पेज नंबर 10. सबसे पहले हम अभ्यास कार्य करने से पहले ये कुछ विशेष पॉइंट हैं इस चैप्टर के, इसे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आ ई ओ औ की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है. स्टूडेंट्स ये चार वर्ड आ ई ओ औ ये ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्राएं हमेशा व्यंजन के आगे लगती हैं. जैसे मैं आपको जैसे आ की मात्रा ये क्या है का, का है ये क्या है का प्लस आ की मात्रा. आ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो क प्लस आ की मात्रा बराबर बनेगा का. तो ये क्या है इसमें आ की मात्रा कहाँ आई है का व्यंजन के आगे, कहाँ आई है व्यंजन के आगे. इसी तरह क प्लस ई की मात्रा बराबर. अब ई की मात्रा जब लगेगी तो कहाँ लगेगी इस तरह. तो ये कहाँ आई है व्यंजन के आगे. इसी तरह ओ की मात्रा क प्लस ओ की मात्रा तो ये क्या बनेगा ये. तो इसमें ओ की मात्रा कहाँ आई है व्यंजन के आगे. इसी तरह क प्लस औ की मात्रा ये मिलकर क्या बनेगा ये. इसमें भी औ की मात्रा कहाँ आई है क के आगे. तो ये जो चारों मात्राएं हैं ये और ये हमेशा व्यंजन के आगे लगती हैं. अब पॉइंट सेकंड, ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है. ई जो होता है हमारा छोटी ई जो होती है उसकी मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे ही लगती है. जैसे प्लस ये क्या है ई की मात्रा है. तो ये व्यंजन के हमेशा पहले लगेगी. जैसे पहले ई की मात्रा लगेगी फिर व्यंजन बनेगा. तो ये क्या है ई की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के हमेशा आगे लगती है. अब ए ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है. ए और ए की मात्रा क्या होती है हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है. जैसे क प्लस ए की मात्रा क्या होती है ये. तो ये व्यंजन के ऊपर लगेगी इस तरह से. इसी तरह ए की मात्रा होती है ये. तो ये व्यंजन के क्या है ऊपर लगती हैं. अब उ और रि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है. जैसे क प्लस उ की मात्रा को ये क्या है नीचे लगी उ सॉरी क
प्लस ऊ की मात्रा कू, ये भी व्यंजन के नीचे लगी है। क प्लस ऋ की मात्रा, ये भी क्या है, व्यंजन के नीचे लगी है। ओके, अब र में ऊ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग। र जो होता है उसमें ऊ की मात्रा इस तरह लगाई जाती है। इनसे वर्ड बनेंगे रुचि, रुपया, रुधिर, गुरु, रुक आदि। और र में जो ऊ होता है, बड़ा ऊ, उसकी मात्रा इस तरह लगती है। इससे वर्ड बनते हैं रूप, रूखा, रूमाल, रूबरू आदि। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट समझ में आ गए। अब अभ्यास कार्य स्टडी करेंगे। पॉइंट वन है क। क है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, जो विकल्प सही है उसको चुनना है और यहाँ लिखना है और उसके आगे राइट का टिक लगाना है। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं, व्यंजन या वर्ण? व्यंजन। क्या बोले जाते हैं? व्यंजन। तो हम इसमें व्यंजन के आगे टिक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे व्यंजन। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को कहते हैं। जब कोई शब्द का निर्माण होता है तो व्यंजन के बाद स्वर लगता है, तभी तो कोई शब्द बनता है। तो उसको के निर्माण हेतु व्यंजन के जो स्वर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रा। क्या बोलते हैं, मात्रा। तो हम इसमें मात्रा पर टिक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे मात्रा। अनुस्वार का उदाहरण है। बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाए थे। तो अनुस्वार क्या होता था, बिंदी जो लगती थी, और अनुनासिक चंद्र बिंदी वाला। तो अनुस्वार का उदाहरण इनमें से क्या है, ये कंघा। तो हम इस पर टिक लगाएंगे। अनुनासिक का उदाहरण है, अनुनासिक कौन सा है इनमें से, चंद्र बिंदी वाला। तो ये है अनुनासिक, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ख। स्वर से उसकी मात्रा तक रेखा खींचिए। इसमें हमें क्या करना है, ये जो स्वर दे रखे हैं हमें इनकी मात्राओं से इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले है आ। आ की मात्रा कौन सी होती है, ये। तो हम इसे ऐसे मिलाएंगे। ई। ई की मात्रा कौन सी होती है, ये होती है ई की मात्रा। ऊ। ऊ की मात्रा कौन सी होती है, ये। ओ। ओ की मात्रा कौन सी होती है, ये। औ की मात्रा कौन सी होती है, ये। रे। रे की मात्रा कौन सी है, ये। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको को इन क्वेश्चंस की और इनके आंसर्स की फोटो सेंड कर दी जाएगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम आते हैं आगे, दिए गए स्वरों के नीचे उनकी मात्रा लिखकर उनसे बनने वाला एक एक शब्द भी लिखिए। सबसे पहले है मात्रा और शब्द। इसमें हमें मात्राएं लिखनी है इनकी और यहाँ इनसे बनने वाले एक एक शब्द लिखने हैं। सबसे पहले है आ। आ की मात्रा कौन सी होती है,
ये होती है आ की मात्रा। इससे बना कोई शब्द जैसे होता है माप। ई, ई की मात्रा कौन सी होती है? ये क्या है? ई की मात्रा है। इससे बना कोई शब्द जैसे किताब। अब है ई, ई की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना कोई शब्द जैसे वीर। उ, उ की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना कोई शब्द जैसे गुलाब। अब है उ, उ की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना शब्द मूल। रे, रे की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना कोई शब्द कृपा। ए, ए की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना शब्द मेज। ए, ए की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना कोई शब्द जैसे कैमरा। ओ, ओ की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना शब्द बोतल। औ, औ की मात्रा कौन सी होती है? ये। इससे बना शब्द कौवा। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। अब नीचे लिखे शब्दों के वर्णों का अलग अलग लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, इन शब्द, ये जो शब्द है इनके वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इन वर्णों से मिलकर बनता है कोयल। अब नौका, न प्लस अ प्लस क प्लस आ, नौका। केला, केला के लिए क प्लस ए प्लस ल प्लस आ। किसान, क प्लस इ प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस अ। अब बचपन, बचपन के लिए ब प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस अ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज अभ्यास कार्य आपको अपनी नोटबुक पर करना है। ओके, आपका ये चैप्टर यहीं एंड होता है।